इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश, कोई भी समाज या कोई भी सभ्यता आगे नहीं बढ़ सकती जब तक महिलाओं की भागीदारी बराबर की नहीं होगी। आपके मुताबिक एक महिला के अंदर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिसको वो पहचान सकती है? और आज भी हमारे देश में अगर लिटरेसी रेट ही देखें तो लिटरेसी रेट अगर पुरुष का देखते हैं तो 75% है, महिलाओं का देखते हैं तो 50% पे आगे रह जाता है। कि हमें प्लानिंग के साथ अपने कॉस्ट्यूम जो हम करेंगे, क्वालिटी, पैकेजिंग, प्लानिंग, लोगो, डिज़ाइन, इन सब को ही पहले से प्लान करना चाहिए। एक्चुअली जब आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ईजी हो जाए बिजनेस करना और इम्प्रूव करना अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस इनसाइट यानी हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूँ। तो आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबको बिजनेस इनसाइट की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं इसी बात पर हमारे शो के मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने शो में। जी नमस्कार, मैं सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही मैं सभी एंटरप्रेन्योर को कहना चाहूँगा कि दीपावली एक खास त्यौहार होता है, इसको हमने इस तरह से मनाना होता है कि ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है जी। आज हमें सोचना होता है कि पूरे साल में जो हमने व्यवसाय किया उसमें क्या कमी रह गई और क्या इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या नए साल की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर करें, और यदि आप नया एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं या नया व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर आज ही प्लानिंग करें और देखें कि कैसे ये दीपावली से अगली दीपावली तक कितनी आप तरक्की कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने आज के एपिसोड में भी विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे, तो अपने वादे को निभाते हुए एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी गेस्ट ऑफ द ऑनर का, जो है श्रीमती कुशल सिंह जी, जो आज भी हमारे शो में हमारे साथ बरकरार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर, जैसे कि हमने कहा कि आज भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले हैं, तो एज अ होल यानी सोसाइटी एज अ होल विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है? और जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, यदि हम 6 विषय पर ध्यान दें और पूरा समाज मिलकर ये तय कर लें, हम सब मिलकर तय कर लें कि इस पर हम ध्यान देंगे, तो ये नारा नहीं रह जाएगा महिला सशक्तिकरण, यथार्थ में बदल जाएगा और आप देखेंगे कि अगले 10 साल में हमारा देश एक अलग देश के रूप में पहचाना जाएगा जी। तो उसमें सबसे पहला है कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर का देना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जहां पर भी आपने महिलाओं के पास डिसीजन मेकिंग होती है वो व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ता है। तो आप किसी भी चीज में, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, महिला जो भी करें उसमें उनको डिसीजन मेकिंग की पावर उनके पास होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनको उनको जाने आने पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको फ्रीडम मिलेगी, कब कहां कैसे जाएंगी, उनको फ्रीडम होनी चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो उनकी एक्सेस है वो एजुकेशन को होनी चाहिए, मतलब कि उनको एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए और एजुकेशन पे उनका राइट तो है ही है, लेकिन उन्हें पूरी एजुकेशन मिलनी भी चाहिए। और इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी उनका एक्सेस होना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयमेंट मिले, जो अपॉर्चुनिटीज हों वो बराबर हों दोनों के लिए, उसमें ये कभी ना किया जाए कि ये वाला जॉब सिर्फ पुरुष को दिया जाएगा। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे जॉब हैं, ड्राइवर का जॉब होता है कई बार, हम सोचते हैं तो पुरुष ही करेगा, लेकिन विदेशों में और हमारे देश में भी आप देखें जहां भी महिला ड्राइवर्स हैं वो ज्यादा सक्सेस हो रही हैं, समाज ज्यादा सेफ महसूस करता है उनके हाथों में। और लास्ट में दो मैं बताना चाहूंगा कि उनका मीडिया में एक्सपोजर पूरा होना चाहिए। अच्छा। क्या होता है कि महिलाएं कई बार बहुत काम कर रही होती हैं लेकिन जब इंटरव्यू की बात होती है तो पुरुष चला जाता है, या तो उनकी कंपनी से कोई, या उनका हस्बैंड, या उनके फादर, या उनका क्रेडिट कोई और ले, बेटा क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो एक्सपोजर टू मीडिया भी महिलाओं का ही होना चाहिए, वही सामने आए, वही बताएं, अपने मुंह से बताएं कि कैसे मैं आगे बढ़ी, कैसे मैंने काम किया। आखिरी पॉइंट में बताना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए और वो एक ऐसे अपराध की श्रेणी में डाला जाना चाहिए जिससे कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करने से पहले 1000 बार सोचे। तो ये अगर 6 पॉइंट पे हमने ध्यान दिया तो आप देखेंगी कि महिला सशक्तिकरण, जिसे हम बोलते हैं, नारा नहीं रह जाएगा, ये सचमुच यथार्थ होगा और हम एक दूसरे दुनिया में होंगे। अच्छा, आपने अपने पॉइंट्स में जो बातें कही सर, उनमें से एक पॉइंट बिल्कुल आप पे फिट बैठता है और हमारे शो पर भी फिट बैठता है कि हमने आज आपको इसीलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकें कि आप कैसे आगे बढ़ी, आपने क्या क्या किया अपने जीवन में जिससे महिलाओं को इंस्पिरेशन मिल सकती हो।
मैं कुछ ऐसा कह दूँ जहाँ से गर्ल्स आगे आए, जो हम बात करते हैं 48% की, नहीं वो एक्चुअली में हो नहीं रहा है. आज भी ऐसे ही एरिया हैं जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा रही, गर्ल्स स्कूल नहीं जाती. विलेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये सोच के साथ मैंने अपना स्कूल स्टार्ट करा कि मैं बच्चों को शिक्षा दूँ कि वो आगे जाएँ, क्योंकि वो पहला स्टेप है जहाँ से बच्चे आगे जाएंगे, गर्ल्स आगे जाएंगी एजुकेशन से, और वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगी. इसके साथ ही मैंने अपना स्कूल कर दिया. एक स्कूल मेरा ये है जहाँ मैं बच्चों को बहुत नॉमिनल फीस पे उनको एक विलेज में चला रही हूँ, जहाँ वो कम से कम फीस में हर बच्चे को शिक्षा मिले. इसी सोच के साथ मैंने अपना हॉस्टल स्टार्ट करा, क्योंकि एक्चुअली ऐसे ही एरिया हैं जहाँ पे कॉलेज नहीं है, जहाँ पे हॉस्टल नहीं है, तो उन गर्ल्स को आने के लिए एक सेफ जगह, सेफ कॉलेज, अच्छा कॉलेज, एक अच्छा हॉस्टल मिलना चाहिए. तो मेरे मन में ये था जब मेरे बच्चे कहीं कॉलेज में जाएंगे तो उनको एक घर जैसा हॉस्टल मिलना चाहिए. अच्छा. उनको एक मदर जैसी वार्डन मिलनी चाहिए. जब मैं अपने बच्चों के साथ ये सोचती हूँ कि उन्हें सेफ इन्वायरमेंट मिले, तो ये सोच के साथ मैंने अपना हॉस्टल किया कि जो भी बच्चा मेरे हॉस्टल में आए वो एक घर जैसा फील करे, उसे एक माँ की याद ना आए, उसे लगे कि हॉस्टल मेरा घर है. तो इस दिशा के साथ मैंने बहुत सारे काम करे जिससे बेटी बचाओ बहुत सारी की बेटियां आगे आए, फील्ड में हर चीज में आगे बढ़े. अच्छा, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू किया था, जब हमने पढ़ा था इनके बारे में, तो उसमें ये भी था कि जो इनका वर्ल्ड स्कूल है, कौशल्य वर्ल्ड स्कूल, वो इसी पर्पस के लिए शुरू किया गया था. तो सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमारे जो मोदी जी हैं उनकी तो बहुमूल्य योजना है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका क्या तात्पर्य? आज हमारे देश में 1000 पुरुष के ऊपर 916 महिलाएं हैं. ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि महिलाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए. जहां महिलाएं कम हो रही हैं, क्यों कम हो रही हैं? क्योंकि लोग महिलाओं को, लोग बेटी को लायबिलिटी मानते हैं. वो ये मानते हैं अगर बेटी पैदा हो जाएगी तो लायबिलिटी है, कैसे वो पढ़ सकती नहीं है, काम कर नहीं सकती, बोझ बन जाएगी, जब शादी होगी तो फिर कहाँ से दहेज देंगे, क्या करेंगे. तो ये इस कारण से रेशो नीचे आने लगा था. रेशो नीचे आना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सबको पता है कि जो जननी है वो तो महिला ही है, महिला की वजह से ही पूरा समाज चलता है, महिला की वजह से ही पूरी सभ्यता चलती है, वही कम होने लगे. तो ये सबसे जरूरी है. मोदी जी की बहुत बड़ी पहचान है कि वो बहुत दूरदर्शी हैं. बिल्कुल, वो अगले आने वाले 20 साल के बारे में सोच के चलते हैं. वो ये सोच के चलते हैं कि कहाँ कमी है. बिल्कुल. तो वो उन्होंने सोचा कि जब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं होगा, और इसके आगे भी नारा हो गया बेटी खिलाओ, मतलब बेटी को स्पोर्ट्स में भी आगे डालो. बिल्कुल. तीनों जगह अगर हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि बेटी जब बचेगी पढ़ेगी और खेलेगी तभी देश आगे बढ़ेगा. तो जैसे सर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इसीलिए लाया गया ताकि बेटियों की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझा जा सके, आपका क्या कहना है इसके बारे में कि इस स्कीम के चलते हमारे जो समाज के लोग हैं वो और बेहतर नज़रिए से इस बात को देख पाएंगे? एक्चुअली जब हम सोचे कि गवर्नमेंट ये काम कर रही वो काफ़ी नहीं है. हम सभी को, समाज को इस दिशा में काम करना पड़ेगा. इसके साथ साथ एक और योजना भी है सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं. ये बड़ी अच्छी योजना है जो कि सरकार ने, मोदी सरकार ने चलाई है. मोदी सरकार का इनिशिएटिव था ये. अच्छा. कि उसमें इन्होंने क्या किया है कि ये आप खोल सकते हो अपने एक कन्या, दो कन्या के लिए खोल सकते हो. इस अकाउंट को खोलने के लिए 1000 रुपये मिनिमम चाहिए होता है, और इसमें साल में आप 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं उनके नाम पर. अच्छा. इस योजना में आप लगातार 14 साल तक जमा कर सकते हैं. इस योजना में पीछे लोन भी ले सकते हैं, और इसमें ब्याज की रेट बहुत अच्छी है, करीब 9.20 है. तो यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, मिलते हैं ब्रेक के उस पार. सरकार से मैंने बहुत सारी मदद ली, बैंक से बहुत लोन लिया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही लैंड के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए, बसेस के लिए एक्सपेंस सारे लोन के थ्रू, और मुझे इजी वे में लोन मिला, कोई प्रॉब्लम हुई थी. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता हाजिर हूँ. हमारे साथ हमारे शो के मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी हैं इस वक्त, जो हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें ये भी बता रहे हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से हमारे देश के विकास में हमें कितनी मदद मिलती है. इसके साथ साथ हमारी गेस्ट ऑफ द ऑनर है जो आज हमारी श्रीमती कुशल सिंह जी, उनके साथ भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे हैं, और वो हमें अपनी टिप्स भी दे रही हैं कि कैसे आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं. अच्छा सर, हम बात कर रहे थे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ब्रेक में जाने से पहले, इसके बारे में कुछ खास हमें बताएं. देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, और जो बेटियों को लोग पैदा नहीं होने देते थे, उसके पीछे यही विषय होता था कि उन्हें पढ़ाएंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा. तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, जो कि बहुत समय से इस योजना की, ऐसी एक योजना की हमारे देश में जरूरत थी, जिससे कि जैसे ही बेटी पैदा हो तभी से उसके लिए सेविंग करना शुरू कर दें, जिससे कि उसकी एजुकेशन में,
किसी प्रकार की बाधा ना आए और उसको जो राइट टू एजुकेशन है या जो हम बोलते थे एक्सेस टू एजुकेशन है वो पूरी मिले और वो हमारे देश की तरक्की में योगदान कर सके। अरे तो बड़ी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सुकन्या योजना जो है जो उन्हीं के बेनिफिट के लिए दी गई है उसको भी आगे बढ़ावा ज़रूर देना चाहिए। आप भी जिस तरह से सोशल वर्क करती हैं बच्चियों के लिए, उसके लिए मुझे लगता है ये स्कीम लोगों को उससे अवेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता होगा। ये स्कीम बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको जाने उसके बारे में जाने। और मुझे लगता है ये बच्चों को एजुकेशन के लिए, जो पेरेंट्स को लगता है कि बेटी हुई है तो उसके लिए खर्चा होगा, पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, तो उन पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो स्टार्टिंग से ही एक ईजी वे में उसकी एजुकेशन भी कम्प्लीट होगी, उसकी शादी भी अच्छी होगी, जो उन पर जो बर्डन है वो हो जाने। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम्स हैं जो महिलाओं के हक में दी जा रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी और साथ साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, आपको लगता है कि वो स्कीम्स काफ़ी हैं अभी तक के लिए या फिर कोई और स्कीम भी एड ऑन होनी चाहिए? देखिए इसमें क्या है कि जैसे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं और जितने भी हमारे देश में नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक हैं उन सबकी अलग अलग योजनाएं हैं। अच्छा, आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो उसकी योजना महिलाओं के लिए अलग है कि जब भी आप महिला को एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहती है या महिला अपना कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उसके लिए हर बैंक की अलग योजना है। तो आपने जरूरी भी नहीं है कि ये देखना है कि कहाँ जाएं, आप किसी भी बैंक में जिसमें आप डील करते हैं उसी में अगर जाएंगी तो आप पाएंगी कि महिलाओं के लिए या आपके जैसे व्यवसाय के लिए उनकी एक अलग सी योजना है। अच्छा, जिसमें अच्छा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, मार्जिन मनी भी कम होता है और जिसमें बिजनेस प्लान बनाने में भी बैंक आपकी मदद करता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बिजनेस प्लान बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी तरह के व्यवसाय को शुरू करने के लिए। आपसे भी जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है इस बारे में, जैसे अगर मैं आपकी बात करती हूँ, आपके स्कूल की बात करती हूँ, आपने जब लोन्स की बात आती है तो कितनी मदद ली अब तक सरकार से, वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हुई? सरकार से मैंने बहुत सारी मदद ली, बैंक से बहुत लोन लिया क्योंकि स्टार्टिंग से ही लैंड के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए, बसेस के लिए एक्सपेंस सारे लोन के थ्रू, और मुझे इजी वे में लोन मिला, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भविष्य क्या होगा? अभी एक रिपोर्ट आई है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जिसमें ये बताया गया कि जो भी स्टार्टअप हैं हमारे, जो स्टार्टअप महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं या जिन स्टार्टअप में एग्जीक्यूटिव टीम महिलाओं की है उनका सक्सेस रेट जो पुरुष स्टार्टअप है उनसे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि महिलाएं ज़्यादा अच्छी मैनेजर साबित हो सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छा अपना अपने बिजनेस को मैनेज कर सकती हैं। तो जो भी स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं पूरे देश में या पूरे संसार में, उन स्टार्टअप में जिनमें एग्जीक्यूटिव महिलाएँ हैं वो स्टार्टअप का सक्सेस रेट बाकियों से ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों को पछाड़ सकती हैं। जी, पछाड़ रही हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुरुषों को पछाड़ रही हैं और आगे भी वो ऐसा करती रहेंगी, यानी खुद को प्रूफ करने का कोई भी मौका ना वो छोड़ रही हैं ना वो आगे छोड़ेंगी। कितनी खुशी मिलती है जब इस तरह की बातें होती हैं सामने, मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका तो जरूर बढ़ता होगा। ये आपसे बहुत अच्छा लगा कि लेडीज अब आगे हैं सब फील्ड में। टाइमली हम अपने स्कूल में जो हमारे सीनियर बच्चे हैं ट्वेल्थ में और जो हमारे हॉस्टल में गर्ल्स हैं बीटेक मैनेजमेंट एमबीए वगैरह, उनको हम टाइम टाइम एक्सपर्ट बुला के उन्हें बिजनेस के बारे में भी डिटेल सिखाते हैं, जो उनको इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में जाए और उनको अभी से ट्रेनिंग मिले। तो ये हम टाइम टू टाइम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जो अभी से उनको एक नई दिशा मिले। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, जल्दी लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। स्टार्टअप योजना जो है मोदी सरकार की वो इन्हीं के लिए है। अच्छा, आपको क्या करना है कि अपने इंक्यूबेटर के पास जाकर जी इसको अप्रूव कराना है, जब ये हो जाएगी अप्रूव तो स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाएंगे। ब्रेक के बाद बिजनेस इनसाइड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें आपको जानने को मिल रही हैं और ये भी आपको जानने को मिल रहा है कि इस मेल डोमिनेटिंग समाज में ना आप खुद महिला के तौर पे कैसे आगे बढ़ सकती हैं, अपने अंदर की अंदरूनी शक्तियों को आप कैसे पहचान सकती हैं, अपनी वर्थ को कैसे जान सकती हैं और ये कह सकती हैं कि अब मैं भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वेल, यहाँ पर अब बात आती है हमारे उन सवालों की जो हर बार हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं और हमें ईमेल भी करते हैं उसके लिए। तो पहला ईमेल सर जो हमें आया है वो आया नागपुर से, ऋषभ का सवाल है ये। इन्होंने एक आविष्कार किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग आविष्कार है इनका, बिजली बचाने का आविष्कार इन्होंने किया, एक मॉडल की शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये लैब खोलना चाहते हैं और उसमें इसको रखना चाहते हैं ताकि हमारे देश के जितने भी लोग हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें, बिजली का बिल भी ऑफ कोर्स उनका कम आएगा इसके चलते। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, राय जानना चाहते हैं। मैं ऋषभ जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा, इतनी अच्छी इनोवेशन की है
और साथ में स्टार्टअप योजना जो है मोदी सरकार की वो इन्हीं के लिए है। अच्छा, आपको क्या करना है कि अपने इंक्यूबेटर के पास जाकर जी इसको अप्रूव कराना है, अपनी जो इनोवेशन है इसको अप्रूव कराना है। जब ये हो जाएगी अप्रूव तो स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आपको सारी सुविधाएं, कोई ना कोई व्यक्ति आपके वेंचर में पैसा भी लगा देगा वेंचर कैपिटल के रूप में, आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा, आपको जगह भी मिल जाएगी कहां पर आप इसको बढ़ाएं कैसे करें। तो आप सबसे पहले अपनी इस इनोवेशन को एक रजिस्टर्ड करा लें और एक इसकी अप्रूवल ले लें, मतलब गवर्नमेंट का एक इसमें ठप्पा लगवा लें कि ये सचमुच आपकी जो इनोवेशन है ये कामयाब इनोवेशन है। अरे तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और कैसे आप कर सकते हैं ये मार्गदर्शन भी आई एम श्योर आपको मिल गया होगा और आप हमारे शो को देख भी रहे होंगे, तो अभी इसी वक्त आप ऐसा कर सकते हैं। ऑनलाइन होती है सारी चीज़ें, वो आप उसी पर रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ईमेल के जरिए इतना अच्छा सवाल हमसे पूछा। अच्छा, अभी हमारे जो लक्की कॉलर ऑफ द डे है ना, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी बहुत खास है हमारे लिए। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज हमारे पास हमारे एक लक्की कॉलर नहीं बल्कि हमारे शो पर दो लक्की कॉलर्स को मैं बुलाऊंगी अभी कुछ ही देर में। पहले उनका सवाल पूछ लेती हूँ। अच्छा, इन्होंने पिछला एपिसोड देखा सर और उसके जरिए बहुत इंस्पायर हुए, जैसे कि इन्होंने हमें लिखा भी इनफैक्ट, और ये भी कहा कि हम एज अ टीम अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। रेफ्रिजरेशन और एसी असेंबलिंग का इन्होंने कोर्स किया आईटीआई से, अभी उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने धंधे की शुरुआत करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं और सरकार की तरफ से क्या लोन की फैसिलिटीज इनको मिल सकती है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने टीम बनाई, मुबारकबाद दूंगा इनको। ये टीम बना के अपनी पूरी योजना बनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया है कि एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन दोनों को ये असेंबल कर सकते हैं, जिसकी कि हमारे देश में हमेशा जरूरत रहेगी। तो ये अपने पूरे उसको एक बना लें कि कैसे असेंबलिंग में इनको क्या क्या चाहिए होता है, कि असेंबल करने के लिए इनको क्या क्या प्लांट मशीनरी चाहिए और इनको कितनी जगह चाहिए, ये दोनों का एस्टिमेट लगा के ये बैंक के पास जा सकते हैं फाइनेंस के लिए। इनको मुद्रा योजना में भी फाइनेंस मिल सकता है और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी इनको लोन मिल सकता है। अच्छा। इन दोनों योजना का लाभ ले सकते हैं। फिर भी अगर इनको कोई दिक्कत आती है तो अपनी पूरी योजना पूरी डिटेल के साथ हमें दोबारा मेल लिखें, तो हम जरूर इनको किसी बैंक को भी भेजेंगे इनकी एप्लीकेशन को, जिससे कि इनको लोन भी मिले आसानी से। बहुत अच्छी बात कही सर ने, और सर बहुत इंप्रेस्ड हैं आप दोनों से। तो आइए स्वागत कर लेते हैं आप दोनों का, कौशल और सरताज, हमारे शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत। हम दोनों ने बिजनेस इनसाइड प्रोग्राम देखा है, जिसे देखने के बाद हम दोनों ने डिसीजन लिया है कि हम कोर्स पूरा होने के बाद एक साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे। थैंक्स टू सुनील सर। तो इसी के साथ सर आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या क्या बिजनेस टिप्स हैं जो आप उनको देना चाहेंगे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अपनी रुचि पहचानी है जी, देखिए कि आप क्या करना चाहती हैं, आपकी क्या दिल से इच्छा होती है बिजनेस करने की, क्योंकि किसी भी चीज को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप अच्छी पेंटर हैं तो उसको आप अपना व्यवसाय बना सकती हैं, यदि आप एक अच्छी आर्टिस्ट हैं तो आप उसको अपना व्यवसाय बना सकती हैं, यदि आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ली है, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गई हैं तो आप अपना हॉस्पिटल खोल सकती हैं, आप इंजीनियर हैं तो आप वर्कशॉप खोल सकती हैं, टीम के साथ काम कर सकती हैं किसी। तो आप किस में आपकी रुचि है और क्या आपने क्वालिफिकेशन ली है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या व्यवसाय करेंगी। तो लेकिन आपको खुद चुन के और आगे आना पड़ेगा, आपको व्यवसाय खुद चुनना पड़ेगा, डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और अपने डिसीजन को अपने परिवार और समाज को बताना पड़ेगा कि मैंने डिसीजन ले लिया है और ये मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आप देखेंगे सब आपके साथ आ जाएंगे। हम जानते हैं आपके हॉस्टल को, आप 700 लड़कियों को एक साथ संभालती हैं, जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ अगर मैं सर एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो एक अगर मैं फैमिली की बात करती हूँ, माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दो लड़कियों को संभालना, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनको पढ़ाएंगे, और कई बार उन्हें बोझ तक कह दिया जाता है, तो इन सबकी सिक्योरिटी का कैसे आप ध्यान रखती हैं? जैसे होता है कि हर चीज़ के लिए प्लानिंग चाहिए आपको, वो सब प्लानिंग के साथ मैंने हॉस्टल स्टार्ट करा, जिसमें उनकी सेफ्टी, उनकी फ्रीडम, उनकी सारी चीज़ें मैंने इन्वॉल्व करी, उसके बारे में बहुत लंबा प्लान किया, सोचा। अच्छा। सर्च करी मैंने, तो वो इजी वहाँ पे उन्हें फैमिली मिलती है जो उनका एक टाइम टेबल है कि उन्हें इस टाइम हॉस्टल में आने, और उन्हें बहुत ज़रूरी काम है तो परमिशन लेके बाहर जा सकती है, फ्री हैं बिल्कुल, कोई बाउंडेशन उन पर नहीं है, तो वो एक फैमिली की तरह अपनी सारी प्रॉब्लम हमें बताती हैं, और टाइम टू टाइम जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको हम टिप्स देते हैं और उनसे पर्सनली अटैच है, तो उन्हें भी फील होता है कि हमें लड़की को आगे बढ़ना है और हमें सबके साथ मिलकर आगे जाना है। बड़ी अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास जो बात है वो यहाँ पे जरूर लागू की जा सकती है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं कि इतनी सारी बच्चियों को एक साथ संभाला है, एक साथ एक छत के नीचे संजो कर मैं कहूँगी उन्हें रखा है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में हॉस्टल की फैसिलिटी अभी सब जगह नहीं है, क्योंकि जब पेरेंट्स कहीं दूर
अपने से दूर दूसरे शहर में 100 200 500 हजार किलोमीटर दूर बच्ची को भेजते हैं, तो उनके मन में हमेशा धुक धुक लगी रहती है कि बच्ची ठीक से पढ़ेगी, उसकी सेफ्टी का क्या होगा। तो यदि वैसे तो हॉस्टल जो कॉलेज खुलते हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर भी हॉस्टल होते हैं, लेकिन यदि पर्याप्त ना हो, जैसे कि हमारे देश में नहीं है क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल कई बार नहीं प्रोवाइड कर पाता या कॉलेज, तो ऐसे हॉस्टल बहुत काम आते हैं, बहुत हैंडी हैं महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ कुशल जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे देश की जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कोई राय देना चाहेंगी, कोई सजेशन उन्हें देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी सभी को कि वो एक नई एनर्जी, नए पैशन के साथ काम करें और वो पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि उन्हें बहुत आगे तक जाना है, तो मेहनत से और दिल से काम करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। चलते चलते आपका सिग्नेचर कमेंट हमेशा की तरह। देखिए, मैं कहूँगा कि जो महिलाएं होती हैं वो समाज की आर्किटेक्ट होती हैं और साथ ही वो समाज की रीढ़ की हड्डी बनके समाज को सशक्त करती हैं, इसीलिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। बहुत अमेजिंग बात कही सर ने भी और मैम ने भी, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा हो, लगन हो, तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकती हैं, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है और फिर आप पीछे पलटकर कभी नहीं देखेंगी। तो सर, हमारी परंपरा है कि हम ये जो मोमेंटो यहाँ पर रखा है टेबल पे, वो अपने गेस्ट ऑफ द डे को देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये मोमेंटो हमारी गेस्ट ऑफ द डे को प्रेजेंट करें। तो इसी बात को जिंदगी में अपनाइए और आगे बढ़ती चली जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सर, जो आप यहाँ पर आए, इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से इतना वक्त आपने हमारे लिए निकाला। थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ, तो आज हमने बात की वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो अगर आप भी अपने आत्मबल को पहचानना चाहती हैं, अपने अंदर की जो आपकी आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश कर रही हैं लेकिन अब तक आप नहीं कर पाई हैं, तो मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है जब आप ऐसा कर सकती हैं। छोड़िए सब कुछ, यानी कि वो सब कुछ भूल जाइए जो पहले के समाज में हुआ करता था कि आपको आगे बढ़ने से रोका जाता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है और सरकार की तरफ से आपको पूरी मदद भी दी जा रही है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप आगे बढ़िए, बस हाँ, मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। तो अगर अब आप अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने व्यापार को आप इंटरनेशनली फैलाना चाहते हैं, वहाँ की नॉलेज आपको चाहिए, तो IEBF को आप एक क्लिक में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे www.iebf.org.in पर क्लिक करना होगा। ज्वाइन कीजिए अभी इसी वक्त। फिलहाल इतना ही हमारी खास पेशकश में। चलते चलते आपको बता दूं कि ये शो आपका अपना शो है, इसमें आप कोई भी सवाल अपना भेज सकते हैं, कोई भी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, SMS भी आप कर सकते हैं या फिर अगर ईमेल के जरिए सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। वैसे जाते जाते एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हाँ, से नो टू क्रैकर्स और अपने पूरे परिवार के साथ इस दीपावली को और भी शुभ बनाइए। नमस्कार।